afternoon. First of all, I would like to thank the Uttar Pradesh Association. Rohit ji, I am meeting him for the first time, though I know him 7 years from before. We used to talk a lot. So I thank all of you for giving me this opportunity. It's really wonderful. Aapka jo hospitality hai, wo fantastic hai. Hum log bhi chahte hain ki aise hi hospitality sab association kare, aur milta bhi hai. Lekin everyone is unique and every association is unique, and that's a pleasure to see. मैं आप लोग को कुछ शेयर करना चाहता हूं मेरे मन की बात. फैता जब शुरू हुआ था उस टाइम पे हमारा प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त था. इसी टाइप का प्रॉब्लम था, लेकिन इट वाज वेरी डिफरेंट हमारे लिए. इट वाज अ न्यू एनिमल. ई कॉमर्स आने के बाद सब रिटेलर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग को बहुत डिस्टर्ब किया. उस टाइम पे हमने बहुत जोर आवाज उठाया. हमने सारा ऑल इंडिया एसोसिएशन में सब लोग को बोला, देखो भाई, दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी विल हैव टू टैकल, विच वी विल हैव टू फाइट. हमारे सर्वाइवल के लिए कोई और नहीं आएगा. वी आर अनपेड सेल्समैन फॉर ब्रांड्स. ब्रांड्स हम लोग से माल बिकवाता है, हम लोग के ऊपर माल देता है, बट दे डोंट पे अस अनलेस वी सेल. दैट इज अवर कंडीशन. इस कंडीशन से हम लोग को उठना पड़ेगा. इसके लिए नोबडी कैन हेल्प अस बेटर देन आवरसेल्व्स. सो उस टाइम पे ये जर्नी शुरू हुआ. उसी टाइम पे हमारा आइडिया था कि हम लोग को एक पोर्टल करना चाहिए, क्योंकि टक्कर देना है तो उन्हीं के ग्राउंड पे टक्कर देना चाहिए, तभी जाके हम जीत पाएंगे. हम झुक के नहीं जीत पाएंगे. इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ ई कॉमर्स पोर्टल फॉर व्हिच इज डन बाय ऑल द यू नो रिटेलर्स, ऑल द पार्टनर्स. दे आर द इक्विटी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, एंड दे आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट. जैसे अमूल ने किया था कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो बहुत बड़ा वर्ल्ड के अंदर में ही बहुत बड़ा एक मिल्क प्रोड्यूसिंग प्लस एक FMCG brand India mein ho gaya. The same way we could have done it. That was the vision at that time. And I'm so happy that our team, you know, led by Kaushik ji, Devesh ji, Kartik ji, you know, they have been able to bring this to this level. Lekin do cheez main bolna chahta hu, IT industry se hatke, agar aap dekhenge, medicine industry mein bhi yahi problem hai. Jo dukandar hai, jo dawai bechta hai, today he is also challenged in a very big way, because you know, there are many portals which have come up which are supplying medicines at a discounted price. Medicine industry regulated industry hai. Lekin us pe bhi abhi we have got 4-5 big players who are totally doing it on e-commerce. And unhone jo medical stores hai, unne se bahut medical stores ko apne saath jod liya hai, aur bahut log medical stores ko compete bhi kar rahe hai. एक चीज आप सब लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो भी डिजिटल में आया वो सब लोग फिजिकल में जा रहे हैं. आप जो भी ब्रांड देखिए जो डिजिटल में पहले आया है, they have all started opening their stores, including the Amazons. Amazon भी US में बहुत सारा स्टोर कर दिया है, जहां पर आप जाके सामान देख सकते हैं और पिकअप भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी ले सकते हैं. तो डिजिटल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन विदाउट फिजिकल. सो दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ अस who have been in physical stores all these years. So isko hum log ko leverage karna chahiye. Instead of looking at this as a threat, we should look at this as an opportunity. I think jo FATA abhi jo kaam kar raha hai, that is a great opportunity. Mere hisab se pura industry ko disrupt karne wala opportunity hai. Isme kya hai ki the entire distribution model will be totally, you know, we can totally disrupt this distribution model. Abhi dealer, रिटेलर, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये सब का कोई दरकार ही नहीं है. इट कैन बी डायरेक्ट ब्रांड टू कंज्यूमर वाया द लास्ट माइल, व्हिच द लास्ट माइल इज द रिटेल आउटलेट, और इट कुड बी अ यू नो एन इंडिविजुअल, और इट कुड बी अ कंपनी, और इट कुड बी अ ब्रांड, व्हाटएवर इट इज. सो अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर फाइटर टू एक्ट वेरी स्ट्रांगली एंड फॉर द मार्केट टू सपोर्ट. व्हेन आई से मार्केट टू सपोर्ट, इंडिया एक अजीब देश है. यहाँ पर इतने कल्चर है, इतने लोग हैं, इतना भाषा है. So, सब जगह सबको लेके साथ चलने में बहुत बड़ा तकलीफ है. सो इस तकलीफ को हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में भी देखे हैं. उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे किंगडम्स जो है उनको भी साथ लिया है. वैसे ही हमारा आज का सिचुएशन है. हर एक एसोसिएशन सोचता है कि वही सबसे बड़ा है एसोसिएशन बड़ा है, लेकिन एसोसिएशन के ऊपर में अभी जब देश के हिसाब से देखते हैं, ब्रांड के हिसाब से देखते हैं, हम सब लोग को देखना पड़ेगा कि we have to be united if we have to really give a challenge to some of these big brands which are coming. Abhi aap brands ka agar dekhte ho, itna unfair practice hai, main aapko bolu to you know rona aa jayega bahut logo ko, ki
brands are absolutely, you know, I'm not saying the core brand is unlawful or they do malpractices, but brand is run by people. And most of the people, you know, do not have ethics when they are doing business. Unko apna target karna, iske liye wo log jo bhi kar sakte hain, that is being very unfair to our partners. Ye main continuous dekh chuka hun in many things. मैं एक सिर्फ इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं, नाम लिए बिना। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ प्रोडक्ट, एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड था। उसने अपने पार्टनर को माल दिया है और वो माल स्पूरियस था। इट वॉज प्रूवन, वी हैव गॉट वीडियो एविडेंस दैट द मटेरियल सप्लाइड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर हु इज अ टियर 1 डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल ऑफ यू वुड हैव रेड विद देम, उनका माल ही स्पूरियस था। जब माल स्पूरियस था, हमने जब हमारे पास जब नोटिस में आया, तब जो प्रिंसिपल कंपनी है उसने बोला, यार ये कोई दिस नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप छोड़ो। लेकिन हमको याद है कम से कम 3-4 हमारे पार्टनर्स मेंबर्स अरेस्ट हुए थे जस्ट बिकॉज दे वर कैरिंग सम स्पूरियस मटेरियल। उन लोग का दोष नहीं था, लेकिन उनको अरेस्ट करके 7-10 दिन अंदर जेल में डाल दिया था, दिल्ली में, कलकत्ता में, बहुत सारे जगह पर। लेकिन यहां पर उनका अपना डिस्ट्रीब्यूटर स्पूरियस माल बेच रहा था, तो प्रिंसिपल ने कहा, ओ इट मस्ट बी अ मिस्टेक, राइट? हमने देखा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने भी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये माल जो है सब कंज्यूमर के पास जा रहा है। जो एकमात्र डीलर है उस प्रोडक्ट का, वो सारा कंज्यूमर को यही स्पूरियस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर ने एक शब्द नहीं बोला है कि भाई ये हमारे से कोई गलती हुआ है, हम इसके अंदर जाएंगे। ब्रांड ने क्या किया, सेल्फ ऑडिट किया और बोला, नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप खुद ही चोरी करके, आप खुद ही पुलिस बन के बोलते हो कि मेरा कोई यहां पर रोल नहीं है। ब्रांड को करना चाहिए था, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को, ही शुड हैव स्टॉप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टिल द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, उन्होंने नहीं किया। पार्टनर को वैसे धमकाया, बोला आप अगर कंप्लेन करोगे तो आपके साथ हमारा बिजनेस बंद, क्योंकि पार्टनर एक ब्रांड हैंडल करता था, वो हैंडल उसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता था। अभी वो पार्टनर उस डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेंट करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्रेडिट देना बंद कर देगा, कोऑपरेशन करना बंद कर देगा। सो सारे मेंबर्स, हमारे ही मेंबर्स ने उसको बोला, यार छोड़ो, वापस कर लो, कंप्लेंट वापस कर लो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ब्रांड का थीम गलत है, लेकिन ब्रांड जो चलाते हैं वो आदमी होते हैं और उनसे बहुत गलतियाँ होती है, और वो गलती हमारे पार्टनर्स के ऊपर आता है एंड दे हैव टू पे अ हैवी प्राइस। बट वाई शुड वी डू दैट? हमारे में इतना स्ट्रेंथ है, हम क्यों इनके सामने झुके? कोई झुकने का दरकार नहीं है। अगर आप सब लोग अपना स्ट्रेंथ को रियलाइज करते हो और कंबाइन करके अपना स्ट्रेंथ को दिखाते हो, एवरी ब्रांड विल कम टू योर डोरस्टेप टू डू बिजनेस, बिकॉज यू आर द पीपल हु डू द बिजनेस। आप ही लोग हैं जो इनका पूरा फाउंडेशन बनाया हो इस देश में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पर ऑनलाइन आने के बाद भी ऑफलाइन को वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाए हैं। दे आर हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, जैसे दारू का इंडस्ट्री आप ले लीजिए, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। एवरी बॉटल ऑफ लिकर विल हैव अ स्टेट एक्साइज। दारू में बहुत अभी लॉबी है, हो रहा है कि भाई इसको ऑनलाइन पूरा कर दो। ऑनलाइन करने से स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा, सेंट्रल को पैसा मिलेगा, और वट एवर इट इज। इसमें क्या है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी प्रेशर्स व्हिच आर कमिंग कि आप लॉस को चेंज करो ताकि ऑनलाइन हम लोग दारू खरीद सकते हैं, डिलीवरी नहीं, दारू खरीद सकते हैं। अगर दारू अगर ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो बहुत सारे मिडिलमैन बंद हो जाएंगे, और मिडिलमैन बंद हो जाएंगे तो पॉलिटिकल पैसा, बहुत सारा पैसा रुक जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ा लॉबी है। तो सब जगह लॉबी काम कर रहा है, तो हमारा क्यों ना हो लॉबी? व्हाई शुड देयर बी नो लॉबी फॉर अस? फेटा शुड बी डूइंग दैट बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेट्स। स्टेट का एसोसिएशन जो है, वी विल स्ट्रेंथन द एसोसिएशन, वी विल मेक देम फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन वी नीड टू हैव अ लॉबी, वी नीड टू हैव एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द एसोसिएशंस व्हिच कैन फाइट फॉर ऑल द एसोसिएशन एंड देयर पार्टनर मेंबर्स। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट आवर करंट टीम इन फेटा हैज ब्रॉट इट टू दिस स्टेज, और ये जस्ट शुरुआत है। हम लोग आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हर एक स्टेट और हर एक एसोसिएशन और हर एक मेंबर से हमको कोऑपरेशन चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। ये फ्रीडम मूवमेंट जैसा ही काम है। यहाँ पर बहुत लोग अपने ही लोग अपने पीछे चाकू मारेंगे, लेकिन इसको जानते हुए भी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ आवर पार्टनर्स, आवर मेंबर्स, फॉर देयर वेलफेयर, सो दैट दे कैन अर्न सम लाइवलीहुड बाय डूइंग बिजनेस इन अ फेयर वे। मैं आप सब लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि एसोसिएशन चलाना बहुत मुश्किल है, नेशनल एसोसिएशन चलाना उससे भी 10 टाइम्स मुश्किल है,
आप जो लोग चला रहे हैं उनके ऊपर में जरूर यू नो प्लीज लुक एट देम विद कंपैशन, प्लीज सपोर्ट देम, उनसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने का काम रुकना नहीं चाहिए, और जो आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग होल्ड नहीं करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना भी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हमको करना चाहिए. सो आई वेलकम ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइटा, स्पेशली द एग्जीक्यूटिव कमिटी हु आर टेकिंग दिस लोड. आई सपोर्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग आगे बढ़ो, एंड वी विल डू ऑल आवर बेस्ट टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू. थैंक यू यूपीसीडी वंस अगेन. थैंक यू.